नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि पेनिस की लेंथ को बढ़ाने के लिए क्या प्रोसीजर्स या सर्जरीज हम करवा सकते हैं। इन सब के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि पेनिस की स्ट्रक्चर क्या होता है। पेनिस के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो हमें बाहर दिखाई देता है और एक हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमारे पेरिनियम या पेट के नीचे वाले हिस्से में लगा हुआ रहता है। तो इन दोनों हिस्सों से ही हमारा पेनिस बना हुआ रहता है। एक लिगामेंट होता है जिसे हम सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे पेनिस को स्टेबलाइज करता है। ये हमारे प्यूबिक बोन के साथ जुड़ा हुआ रहता है और जो हमारे पेनिस के बाहर का हिस्सा है उसको ये स्टेबलाइज करता है। इरेक्शंस के टाइम पे उस पेनिस को ये सीधा 90 डिग्री पर खड़ा रखने में हेल्प करता है। तो ये देखा गया है कि अगर हम इस लिगामेंट को थोड़ा सा डिवाइड कर दें तो हमें बाहर दिखने वाले पेनिस की लेंथ एक्स्ट्रा मिल सकती है और उसमें 1 या 1.5 इंच का फर्क पड़ सकता है। तो इस प्रोसीजर में हम नाभि के नीचे एक हल्का सा कट लगाकर उस लिगामेंट को डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि देखने में ये लगता है कि पेनिस की लेंथ इंप्रूव कर गई है, 1 या 1.5 इंच बढ़ गई है और पेनिस लंबा दिखाई देता है। लेकिन इरेक्शन के स्टेट पे लंबाई में उतना फर्क नहीं आता है। हाँ, 0.5 इंच का या 1 इंच का फर्क थोड़ा पड़ सकता है। ये FDA अप्रूव प्रोसीजर है और इसको हम कर सकते हैं, कोई इसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। बस थोड़ा सा ये रहता है कि पेनिस की स्टेबिलिटी में हल्का सा इस प्रोसीजर के बाद फर्क पड़ता है। दूसरा प्रोसीजर, जिन पेशेंट्स में लिंग की लंबाई के साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी समस्या है और जिनमें ना तो कोई दवाई या ना कोई इंजेक्शंस काम कर रहे हैं, या फिर जिनके अंदर कोई आर्टरी डैमेज है या हमारा स्पंज कॉर्पोरा कैवर्नोजा डैमेज है, उन पेशेंट्स के अंदर हम पिनाइल इम्प्लांट की तरफ भी जा सकते हैं। पिनाइल इम्प्लांट पेनिस की लंबाई के साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ठीक कर देगा। तीसरा प्रोसीजर जो कि काफी लोग करवाते हैं वो है पिनाइल ट्रैक्शन। तो इसमें एक ट्रैक्शन डिवाइस हम लगाते हैं जिससे कि पेनिस पे ट्रैक्शन दिया जाता है उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, टिश्यूज को स्ट्रेच करके। पर ट्रैक्शन डिवाइस इतना इफेक्टिव नहीं है, इसके 3 कारण हैं। जब तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं तभी तक ही हमारी लंबाई थोड़ी सी लंबी हमें महसूस होती है। दूसरा, ये हमारे टिश्यूज के ऊपर भी थोड़ा सा फर्क डालता है और पेनिस के टिश्यूज को इफेक्ट डालता है, जिससे कि हमारी नेचुरल इरेक्शंस थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तीसरा, इसको काफी लंबे समय तक लगा के रखना पड़ता है जो कि आमतौर पर इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। पिनाइल ट्रैक्शन डिवाइसेस का उतना अच्छा रोल नहीं है इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए। बाकी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 90% मरीज जो हमारे पास इस दिक्कत के साथ आते हैं कि उनका पेनिस छोटा है, उनमें पेनिस की लेंथ की कोई दिक्कत नहीं होती है और उन्हें बस काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो 10% मरीज ही ऐसे होते हैं जिनकी पिनाइल की लेंथ एक्चुअली में थोड़ी शॉर्ट होती है। उनमें भी हमें अलग अलग कारण देखने पड़ते हैं, कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, हार्मोन्स के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिनसे हमको ये अंदाजा लग जाता है कि वाकई में कोई कारण ऐसा है जिसकी वजह से उनकी पिनाइल लेंथ छोटी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं पिनाइल लेंथनिंग के ऑपरेशन या प्रोसीजर्स के बारे में कुछ आपको बता पाया और आपकी हेल्प कर पाया। आप नीचे लिखे नंबर्स पे अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, आप नीचे लिखे नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे, या हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप प्लीज सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। हम एंड्रोलॉजी बेस्ड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहते हैं। धन्यवाद।